हेलो फ्रेंड्स, आज हम टूर के लिए निकल रहे हैं हिमाचल प्रदेश। हम जा रहे हैं डलहौजी खजियार और आज का ब्लॉग इस पे है। रास्ते में आपको सब दिखाएंगे कहाँ कहाँ हम जाएंगे। ये देखिए, साथ में जा रहे हैं मेरा बेटा है, वाइफ एंड मेरी डॉटर। हम चारों जा रहे हैं घूमने के लिए डलहौजी खजियार और अब दिखाते हैं, हम निकलने वाले हैं घर से। अब आपको दिखाएंगे, व्लॉग उस पर बनाया जा रहा है। चलो ओके, निकलते हैं फिर। हेलो फ्रेंड्स, हम दार पहुंच चुके हैं। ठीक है, अभी दार पे हमने एक स्टॉप ही लिया है। एक पीछे बैठा हुआ है दक्ष। हाय बोलो दक्ष। हाय हाय। अभी वो है त्रिशा, वो मेरी छोटी मुन्नी, तो मेरी लाडो है। लाडो, ये लाडो है मेरी। अभी हम बाहर पहुंच चुके हैं। इधर हमने स्टॉप किया, 10 मिनट के लिए रुके थे। यहाँ से आगे निकलेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेशन होगा धनेरा, वहाँ जाके ब्रेक लेंगे एक। ओके, बट अभी तक तो कोई रश नहीं लग रहा मेरे को, भी लोग कम ही दिख रहे हैं जाने के लिए डलहौजी खजियार। धनेरा पहुंच चुके हैं। ये आ गया हमारा सेकंड स्टॉप धनेरा। यहाँ से 35 किलोमीटर है। ये त्रिशा, त्रिशा कैसे देख रहा है? चौना मेरा लाटो है लाटा। यहाँ से 35 किलोमीटर डलहौजी है। अभी नेक्स्ट ब्रेक हम लेंगे नैनीखड्ड रुकेंगे। ये फ्रेंड्स, हम धनेरा से निकले हैं अभी। ये धनेरा की छोटी सी मार्केट है। मेडिकल स्टोर देख लेना। हेलो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं खजियार। बहुत ही मस्त व्यू है, आप लोगों को दिखाता हूँ उसका व्यू। देखिए, ये है खजियार। फ्रेंड्स, ये है मिनी स्विट्जरलैंड से जाना जाता है। ये है मिनी स्विट्जरलैंड, आपको रेयर कैमरे से दिखाऊंगा, फिर आपको पूरा इसका मालूम पड़ेगा इसका क्या व्यू, कितनी सुंदरता है इधर। ये है खजियार। फ्रेंड्स, अब देखिए, ये है व्यू पूरा खजियार का। ये जो आपको लेक दिख रही है, ये खजियार की एक छोटी सी लेक है। वहां पे दो हट्स बनी है लेक में। आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये हट्स बनी हैं इसमें।
लेक के पास। यहाँ फिशेज भी बहुत ज़्यादा होती हैं और लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं, अति सुंदर। और जो पीछे आपको कॉटेज दिख रही हैं, एक ये कॉटेज है, एक कॉटेज ये गवर्नमेंट कॉटेज है, ये आप बुक करवा सकते हैं। एक कॉटेज इधर भी है, ये है सारा खजियार। ये देखिए खजियार, और ये सूरज ढलता हुआ, सनसेट होता हुआ। बहुत ही सुंदर व्यू। और इधर त्रिशा, दक्ष और लिजू एंजॉय करते हुए मस्त मजा कर रहे हैं। मैं आपको चलते चलते दिखाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, ये आज हम खजियार पहुंच चुके हैं। देखिए खजियार का नज़ारा, ये है खजियार, ये है खजियार, देखिए। जहाँ भी आप देखेंगे ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड बोला जाता है। ये है अपने इंडिया का मिनी स्विट्ज़रलैंड। ये देखिए इसकी सुंदरता देखिए आप, खजियार, इसे कहते हैं खजियार। ये बहुत बड़ी ग्राउंड है, बहुत बड़ी ग्राउंड है, और यहाँ लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं, बैठे हैं, सभी अपनी फैमिलीज के साथ बैठे हैं, पूरा दिन इधर बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। और यहाँ का मौसम, यहाँ की हवा जो है बहुत मज़ेदार, इतनी शीतल हवा, इतनी ठंडक मिलेगी, मज़ा आ जाएगा। आप इधर आओगे तो नज़ारा आएगा, जब भी मौका मिले कभी भी इधर आप आओ। ये है खजियार, ये देखिए खजियार, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये झील है, इधर एक छोटी सी लेक है, वहाँ देखिए लास्ट में देखिए, वहाँ भी गेम्स हैं, बॉल्स हैं बच्चों में, वहाँ भी हट्स बनी हैं, वहाँ पे बैठ के आप एंजॉय कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार जगह है, प्लीज़ विज़िट करिए, फिर देखिए नज़ारे यहाँ के, क्या नज़ारे हैं, आप खुद बोलेंगे वाकई यार कोई जगह पे आया हूँ। शांति मिलेगी, शांति सुकून, अगर चाहते हैं सभी टेंशनों से दूर कोई जगह है तो यही है खजियार। मैं तो इधर 100 बार आ चुका हूँ, फिर भी दिल नहीं भरता है, जितनी बार आता उतना ही कम कर दी। फ्रेंड्स, जो मैंने आपको लेक दिखाई थी, आज मैं आपको दिखाता हूँ, उसका पास से दिखाता हूँ, उसका भी दिखाता हूँ। मेरे पीछे पीछे फ्रेंड्स, ये है वो लेक जिससे मैंने आपका जिसका जिक्र किया था मैंने आपको। सॉरी, काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो इस लेक का जिक्र किया था मैंने आपसे वीडियो में। यहाँ दो हट्स बनी हुई हैं, एक ये है, एक ये हट है, और लोग इधर आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये झील में बहुत सारी फिशेस होती हैं, दिखाई देंगी तो आपको दिखाता हूँ। आप पानी में देखिए, वो देखो जूम कर रहा हूँ, कितनी सारी फिशेस हैं, देखो ये देखिए कितनी सारी फिशेस हैं फ्रेंड्स झील में। ये है लेक खजियार की, ये है लेक, ये लेक है खजियार का, ये इसकी सुंदरता को, खजियार की सुंदरता को चार चांद लगा देती है ये लेक।
तो है गाइस आकाश, ये दक्ष, मैं दक्ष हूँ एंड ये खजियार है। ये हम खजियार घूमने आए हैं। आगे रास्ता जाना है, यहाँ से 1 किलोमीटर एक टेंपल है, वो टेंपल का नाम है जगदम्बा टेंपल, वहाँ माता का टेंपल है। आज मैंने वहीं स्टे किया है और आज उस टेंपल के भी आपको दर्शन करेंगे। यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर है, जो भी खजियार है वो टेंपल जाके आए, वहाँ पे जरूर माथा टेक के आए। बहुत ही प्यारी जगह बनी है, वहाँ पे रहने के लिए रूम्स भी हैं। हेलो फ्रेंड्स, जिस मंदिर का मैंने जिक्र किया था आपसे, जगदम्बे मंदिर, इस टाइम मैं वहाँ पे हूँ। 1 किलोमीटर दूर है, सिर्फ 1 किलोमीटर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। अब मैं आपको इस मंदिर का दृश्य दिखाऊंगा। मंदिर बहुत सुंदर है, अब देखिए आप इस मंदिर को, आपको मैं इस मंदिर का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मंदिर में 112 फीट ऊंची शिवजी भगवान जी की प्रतिमा है। इसमें बहुत खूबसूरत प्रतिमा है, आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। और भोलेनाथ के पीछे देखिए पैराग्लाइडिंग हो रही है, वो देखिए पैराशूट जा रहा है, वो देखिए पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं लोग। जय भोलेनाथ सबके साथ। यह है प्रतिमा 112 फीट ऊंची, और बाकी मंदिर का दृश्य दिखाता हूँ आपको।
ये है मंदिर, ये है जगदम्बे मंदिर, ये है जगदम्बे मंदिर, ये है माता का मंदिर। अब हम जा रहे हैं अंदर मत्था टेकने, अभी माथा टेकने जा रहे हैं। आपको अंदर से इसका व्यू दिखाऊंगा। हम मंदिर के अंदर जाने लगे, हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। जय जगदम्बे मंदिर, बहुत ही खूबसूरत बहुत प्यारा मंदिर है, माता का मंदिर है। ये देखिए, ये है जगदम्बे मंदिर है। ये बहुत शांति है यहाँ पे, बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा व्यू है। मैं देखो त्रिशा घूम रही है मंदिर में। ये जो हमने अब आपको दिखाया, ये था जगदम्बे मंदिर जो कि खजियार में है, खजियार ग्राउंड से 1 किलोमीटर दूर। ये है जगदम्बे मंदिर, यहाँ पे अभी हमने माथा टेका है। ये है, ये दक्षिण, ये मंदिर के अंदर का व्यू है। ये देखिए इधर खजियार का व्यू। अभी हम निकल पड़े हैं दरौजी की तरफ खजियार से। ये देखिए खूबसूरती खजियार की। हेलो फ्रेंड्स, पठानकोट से डलहौजी जाते रास्ते में एक डैम आता है, रणजीत सागर डैम। उसका व्यू देखिए आप, क्या जबरदस्त व्यू है, क्या शानदार व्यू है। पूरा व्यू देखिए, नज़ारा ही आ जाएगा। ये देखिए पूरा व्यू, आपको पूरा व्यू दिखा रहा हूँ मैं। क्लोज करता हूँ, थोड़ा क्लोज अप लेता हूँ उसका। ये देखिए, ये सारा डैम का पानी है जो इकट्ठा किया हो गया, बहुत बड़ी लेक बन जाती है, बहुत बड़ी लेक। बहुत ही प्यारा नज़ारा है, क्या व्यू है ये देखिए।